जी तो महान समर्थ परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अनुग्रहकारी और दयालु। हम आपके पवित्र वचनों का आदर करते हैं, आप आपके वचनों को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और समय समय पर आपके वचनों के द्वारा हम अपने आप को चेक करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं ताकि हम हमारा जीवन आपके वचन पर केंद्रित रहे, हमारा हृदय आपके वचन पर केंद्रित रहे और हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना को हमेशा ध्यान में करता रहे, ध्यान लगाए रहे ताकि आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो। हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर आपकी इच्छा को ग्रहण करते चले जाएं ताकि आपकी उस महिमा के पात्र बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन से जिस महिमा को प्रकट करना चाहते हैं और आपका नाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महिमान्वित हो और सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। आज हम परमेश्वर की अलग अलग इच्छाओं को और अच्छे से सब समझेंगे और इस विषय पर हम और स्पष्टता प्राप्त करेंगे। बाइबल कई अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करती है। पहला तरीका है परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा और उसकी आज्ञाकारी इच्छा के बीच अंतर करना। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा को ही सर्वोच्च इच्छा बोलते हैं और दूसरा है उसकी आज्ञाकारी इच्छा। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को जब अदन की वाटिका में रखा था तो परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा यह थी कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खा, बस इतनी सी बात। और उन लोगों ने वही किया जिस चीज को परमेश्वर ने कहा था मत करो। तो परमेश्वर की संप्रभु इच्छा या सर्वोच्च इच्छा का उल्लंघन करना पाप है। उसके बाद जब पाप हो गया, मनुष्य पाप और पतन में फंस गया, तब से और अब तक समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और ये परमेश्वर की आज्ञाकारी इच्छा कहलाती है। आज भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर करके अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। ये परमेश्वर की यानी परमेश्वर की संप्रभु इच्छा का भी विरोध हो रहा है और आज्ञाकारी डबल। तो ये मनुष्य पाप और पतन में नीचे चलता चला जा रहा है और जब वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करता, उसके वचन का आदर नहीं करता परमेश्वर से, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। प्रेम किससे किया जाता है? कोई व्यक्ति जो आपको हर समय डांटे टोके और आपको ये कहता रहे कि ये गलत है, ये मत करो, ऐसे मत करो, इधर मत जाओ, उससे आप प्यार कर पाएंगे? उसी से लोग प्रेम नहीं कर सकते। ये थोड़ा टफ प्रेम है क्योंकि वो हर समय आपको आपकी भावना को चोट पहुंचती जब परमेश्वर कहता नहीं ये गलत। तो लोग भाव यानी जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है वो परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता। क्यों? उसको बुरा लगता, उसको ये बुरा लगता कि अरे मैं गलत हूं, मैं हर समय गलत हूं, मुझे हर समय बताते ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बुरा लगता है। माने बच्चों को नहीं लगता बुरा, जब वो बड़ा हो जाता है उसको बुरा लगने लगता है, तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगता। लेकिन जब मानव जाति परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कलीसिया में आए, परमेश्वर के वचन के सामने आए, तो उसको कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को अधिकारी नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो घर में अपने सबसे बुजुर्ग हूं और मैं जो करता हूं, मैं जो बोलता हूं वो गलत हो नहीं सकता। जब आपके अंदर ये वाला माइंड में बैठ जाता है ना, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन तकलीफ पहुंचाने लगता है, बहुत तकलीफदेह हो जाता है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से अपने आप को अलाइन नहीं कर पाता। वो कहता नहीं ये मेरे लिए ही नहीं, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर की प्रभुता पूर्ण
या पूर्व निर्धारित आदेशित इच्छा। एक परमेश्वर की एक इच्छा है, वो प्रभुतापूर्ण इच्छा है, परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा, परमेश्वर की शाश्वत पूर्व निर्धारित योजना, पूर्व निर्धारित योजना और उद्देश्य है। ये परमेश्वर की इच्छा के उस पहलू को संदर्भित करता है जिसमें वे चीजें शामिल हैं जिन्हें उसने अपने स्वयं के संप्रभु शासन द्वारा लाने का निर्णय लिया है। कोई भी प्राणी मनुष्य या स्वर्गदूत इसे बदल नहीं सकता, इसे बदला या रोका नहीं जा सकता। परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा में निम्नलिखित मामले शामिल हैं। क्या क्या चीजें परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा में शामिल हैं या उसकी संप्रभु इच्छा में शामिल हैं, उन पर हम ध्यान देंगे। और इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री में निकलेंगे, इफिसियों की पत्री में देखेंगे। और एक चीज याद रखिए कि परमेश्वर की जो संप्रभु इच्छा है या उसकी सर्वोच्च इच्छा है या प्रभुतापूर्ण इच्छा है, उसमें सबसे पहली चीज है मानव जाति का उद्धार। और उद्धार पारिवारिक लेवल पे नहीं होगा, उद्धार सामाजिक लेवल पे नहीं होगा, उद्धार व्यक्तिगत होगा। एक व्यक्ति, एक परिवार का एक व्यक्ति पहले उद्धार पाएगा, कभी भी पूरा परिवार एक साथ उद्धार नहीं पा सकता। ये चौड़ा मार्ग नहीं है, ये सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग का मतलब वन बाई वन। एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उसके उद्धार से भरे जीवन से उस घर के बाकी लोगों को उद्धार प्राप्त होता है। अब देखिए कठिन यहीं पर है, यदि एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, क्या उसके परिवार में उद्धार का कार्य होगा? नहीं होगा। और इसीलिए आपको इतने सालों से अपने जीवन में और अपने परिवार में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं देखा, क्योंकि आप में हुआ ही नहीं। जब तक आप में होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा। इसलिए ये इसके लिए हम पद पढ़ेंगे जो मिलता है इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 3-6 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए ये उद्धार की योजना जगत की उत्पत्ति से पहले से, हमने आपको बहुत पहले ये बात बताई थी कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने और मनुष्य को रचने से पहले उद्धार की योजना बना ली। लेकिन उद्धार की योजना और सृष्टि को बनाने के बाद, पतन के बाद, इन चीजों को परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत हमारे सामने रख रहा है। जब उसने उद्धार के कार्य को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा पूर्ण किया उसके बाद, लेकिन इस योजना को उसने सबसे पहले बनाया था, सृष्टि की रचना से पहले, मनुष्य को उत्पन्न करने से पहले ये काम बनाया था। सबसे पहला चीज थी, क्योंकि उसको मालूम था कि क्या होगा। इसका मतलब परमेश्वर के पास पूर्व ज्ञान था। इसी को बोलते हैं परमेश्वर की संप्रभु इच्छा। उसे मालूम था कि इसके बाद क्या होगा और उसके बाद उसको वो कैसे रीगेन करे, मनुष्य मानव जाति का उद्धार कैसे करेगा। उसके पास, परमेश्वर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, मानव जाति के पास कोई ऑप्शन नहीं, उद्धार का कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं। और मानव जाति के कार्यों पर, उसके परिश्रम पर, उसके प्रयास पर, उसकी युक्तियों पर उद्धार टिकता ही नहीं। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव है। तो ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा थी उद्धार, जिसका आज लोग व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में उद्धार की बातों को ग्रहण ना करके, प्रभु यीशु मसीह का आदर ना करके, उसकी आज्ञाएं ना मान के, उसकी शिक्षाओं को इधर से सुना इधर से निकाला, ये करके ये क्या कर रहा है। इसीलिए पौलुस ने लिखा कि तू परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए क्रोध कमा रहा। तो जब आप कलीसिया में आने के बाद वचन का आदर नहीं करते तो क्रोध कमा,
और ये क्रोध उसका न्याय के समय जब पुत्र का प्रगटीकरण होगा सेकंड कमी बहुत भयानक रूप से होगा और किसी को कोई क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा का मौका आज है, उद्धार का परमेश्वर आपको क्षमा करने को तैयार है अगर आप समर्पण करते। समर्पण नहीं तो क्षमा नहीं, क्षमा का काम समर्पण पर है और इसलिए यहां पे लिखा है और आगे लिखा है और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेच में दिया। यानी बिना किसी धर्म के काम के हमको मसीह में उद्धार दे दिया। सेच में का मतलब विदाउट एनी वर्क ऑफ राइटसनेस, धर्म का कोई काम हम नहीं किए तो हम धर्म के काम से तो उद्धार पा ही नहीं सकते हैं। ये तो आप हमेशा कि आप सोचते हैं कि हम पुण्य करेंगे, हम ये दान पुण्य करेंगे, हम इनको दे देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे तो हमें प्रभु अनुग्रह, ना अनुग्रह नहीं होगा। ये सब पापी लोग कर रहे हैं, ये संसार के सब लोग कर रहे हैं लेकिन इससे उद्धार नहीं है। इसराइल का चयन और बुलावा, ये रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय, ये सब परमेश्वर की इच्छा है, संप्रभु इच्छा जो हम देख रहे हैं वचन में नए नियम में भी। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद यहां पे है, इसलिए मैं कहता हूं क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। पौलुस कह रहा है मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। अब देखिए यहां पर परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? कि वो इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु उन्होंने तेरी भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने। या जब इसको लग रहा था इस एलिया को कि मैं अकेला बचाऊं, बाकी सब तो परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग थे वो तो सब मार दिए गए, तो परमेश्वर का ना, ये मनुष्य का ज्ञान है। आपको लग रहा है कि किसी को उद्धार नहीं मिला है, परमेश्वर को मालूम है किसको मिला है किसको नहीं आपके संपर्क में, क्योंकि आपको उद्धार मिलेगा नहीं तो आपको किस, आपको वो आंखें नहीं मिलेंगी कि आप देख सकेंगे उद्धार किसको मिला किसको नहीं। जब आपको उद्धार मिलेगा तब आपको दिखाई देगा अच्छा इस उद्धार उसको नहीं मिला है इसको मिल गया। ये उद्धार मिलने के बाद बॉर्न अगेन होने के बाद आपको ये आंखें मिलती है, ये दृष्टि मिलती है। इसी का 29 वर्स पढ़ेंगे, इसी का 29 वर्स यहां पर लिखा हुआ है, सुसमाचार के भाव से तो वे तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के नहीं 28 है ये, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, परमेश्वर ने जिसको बुलाया है, बुलाहट यानी क्या चीज अटल है? परमेश्वर के वरदान और बुलाहट। जब परमेश्वर किसी को बुलाता है उसे वरदान जरूर देता, पवित्र आत्मा का वरदान है उद्धार, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है। और फिर बाइबल में परमेश्वर की वाचा के वायदे, कभी कभी परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा के कुछ तत्वों को हम पर प्रकट करता है, हालांकि अक्सर ये एक रहस्य ही रहता है। संप्रभु इच्छा जो उसकी है उसके कुछ तथ्यों को ही वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा प्रकट करता है, सब नहीं। तो एक तरफ से लोग परमेश्वर के प्रति अज्ञानता से भरे रहते हैं कि परमेश्वर की एक्चुअल में इच्छा क्या है और परमेश्वर की आज्ञाओं को जो उसने हमें दी है वचन में, जिसको बोलते हैं आदेशात्मक इच्छा,
कि ये उसकी आज्ञा है। आज्ञाएं क्या क्या है? व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। ये 10 आज्ञाएं जो ये उसकी आज्ञा ही तो है, ये आज्ञा, ये उसकी इच्छा है। और आप इन इच्छाओं का विरोध करके और धर्म कर्म करके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। आपको उद्धार मिलेगा नहीं ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि आप इन चीजों को दिखावे के लिए कर रहे हैं, हृदय से नहीं करते। परमेश्वर ने मसीह में हमको 2 आज्ञाएं दी। पहली आज्ञा परमेश्वर पिता से अपने सारे प्रेम, सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रख। और अगर ये है, वास्तव है, तो अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम रख। और जब आपस में आप सबसे प्रेम भाव रखेंगे, तब ये साबित होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और अगर आप ये नहीं रख पाए, तो ये साबित हो गया कि आप ये परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। आपको कठिन लगेगी, इसलिए लगेगी क्योंकि आप उद्धार नहीं पाए। जिस दिन उद्धार मिल जाएगा, कहेंगे इससे सरल कुछ है ही नहीं, इसमें हमें कोई क्रिया नहीं करनी, कोई शारीरिक काम नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा हमारे, देखिए इच्छा कहाँ होती है? मन में। परमेश्वर के मन में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा वचन के रूप में आपके हृदय में गई। लेकिन आपके हृदय में कितनी देर वो इच्छा काम करती है? बस इसी से पकड़ लीजिए, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में जगह ही नहीं पाई, आप उसको रख ही नहीं सकते। थोड़े समय बाद वो इच्छा खत्म और आपकी अपनी इच्छा जाग जाती है ना, ये कर वो कर, इधर भाग उधर भाग, सारे यानी सब दंद फंद चालू हो जाता दिमाग। उसको दो, उसको मत दो, इसको दो, इसका मार दो, इसको ऐसे कर दो, उसको टरका दो, ये सब करने लगते हैं। परमेश्वर हमें केवल वही बताता है जो वो चाहता है कि हम जाने। परमेश्वर हमारे लेवल से बात करता है। आपको जितना आपको वो बता रहा है ना, इसके आगे नहीं बताएगा जब तक कि आप इतने को पास नहीं करते। भाई आप बच्चा कक्षा 1 में, और वो कहे कि नहीं हमको कक्षा 2, देखो वो कक्षा 2 वाली टीचर कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है हमको, तो कक्षा 1 वाले को कक्षा 2 की बातें कैसे बता दे? पहले तो एग्जाम पास करेगा ना, दूसरी कक्षा में जाएगा तभी तो। तो जब कलीसिया के लोग एक ही मामले में फंसे हुए, इसी को पास नहीं कर पा रहे, तो दूसरे दूसरी कक्षा में कैसे जा सकते हैं? अभी एक ही बैठके हुए, तो जब तक आप इस पे अटके, यहां से पहले निकलो ना परीक्षा पास करके। आप अपने मन पे काबू नहीं पा रहे हैं, अपनी बुद्धि पे आपको काबू नहीं है, आपके अपनी भावनाओं पे काबू नहीं है, आपको अपने किसी भी चीज पे आपको नियंत्रण है ही नहीं, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। एकदम खुला छूट है, जो पाओ वो सोचो, जो पाओ वो बोलो, जिधर चाहो उधर चले जाओ, और जो जो मन में आए वो करते रहो, बिजी रहो। ऑप्शंस पे ऑप्शंस, ऑप्शंस पे ऑप्शंस, ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास ये कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा और धन के अनुसार और अपने समय बैठे, और कोई कुछ भी बोले, पत्थर इधर सुना, बोलने वाले को बोल बोल के बुलवा बुलवा के थका दो कि वो बोलना ही छोड़ दे, इसको कहते पत्थर। सुनने की क्षमता और झेलने की क्षमता बढ़ाओ, तब आपको उद्धार मिलेगा। आप तो इधर से वचन सुना, उधर के 4 बातें सुनी, डिस्टर्ब। ये आपकी स्वाभाविक कमजोरियां हैं। परमेश्वर की आज्ञा या निर्देशात्मक इच्छा, अब ये देखिए दूसरा पॉइंट है, ईश्वर की इच्छा के आदेश में बाइबल में पाई जाने वाली आज्ञाएं या उपदेश शामिल है। देखा, अब ये दूसरी इच्छा है, ये दूसरी इच्छा है। परमेश्वर की पहली इच्छा है मानव जाति का उद्धार, दूसरी इच्छा कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा और उसके उपदेशों को जो वचन में है उनको मानना शुरू करें। उद्धार ऐसे नहीं हो जाएगा एक झटके में, तो इसमें उपदेश शामिल है और आज्ञाएं शामिल। तो परमेश्वर के वचन में उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स,
तो टीचिंग्स तो आपको बराबर मिल रही, वो इंस्ट्रक्शन से निर्देश, कितने निर्देश आपने माने हो। तो आज्ञा भी आपको बता रहे, निर्देश भी बता रहे, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं, हम तो वहीं के वहीं हैं। इसलिए आपको इससे आगे की बात क्या बताएगा, उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं ईश्वर की इच्छा है, लेकिन हम उन्हें तोड़ सकते हैं परिणामों के साथ। आप 10 आज्ञाओं को तोड़ सकते हैं, और मालूम 10 आज्ञाओं में एक ऐसी चीज है कि एक को तोड़ा आपने, 10 को तोड़ा, एक आज्ञा तोड़ी और 10 को तोड़ दी। अब आप पहली आज्ञा, परमेश्वर ने उनसे कहा था मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना माने, ना किसी चीज की मूरत बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना। मूरत तो स्टैच्यू बनाते हैं हाथ से, कला, लेकिन सूरत कैसे बनती है? सूरत आपके मन के अंदर, ये मन के अंदर सूरत बनती है कैसे, इसको समझिए आधुनिक युग में। आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला मॉडल हमको फोन कर ले, आप उसको सर्च करते रहते हैं कहां मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, कंपनी में कितने का मिल रहा है, मजार में कितने का मिल रहा है, किस दुकान में क्या ऑफर चल रहा है। आपको वो मॉडल आपके अंदर, ये वो जो मॉडल आपके अंदर बैठ गया ना, ये सूरत बन गई। इसीलिए लिखा लालच बराबर मूर्ख की पूजा। आप किसी किसी चीज को अपने माइंड में बैठाते कि ये हमको ऐसा चाहिए, जूते ले लो, कपड़े ले लो, कोई भी सामान ले लो, उसकी आप सूरत बना लेते हैं अपने अंदर, बस यही है आइडल वर्शिप। तो आप वो उसको आपने ईश्वर बना लिया, आपके माइंड में बैठ गई वो, आपके आपके दिमाग में केंद्र बन गई कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसकी जुगत में आप लग जाते। अब समझ में आया कि सूरत कैसे, किसी चीज की मूरत ना बनाना, उसकी सूरत बनाना, ईश्वर हो जाती वो चीज आपके अंदर। अब आप पहली ही आज्ञा ली, पहली आज्ञा आप कैसे पूरी कर सकते। और ये परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा था, क्योंकि परमेश्वर उनको टेस्ट कर रहा था, और उन लोगों ने इस पर दावे ठोकना शुरू कर दिया। ये उनकी गलती थी, उनको कहना चाहिए था प्रभु हम आपको जानते नहीं, हम आपको जानते ही नहीं, सरेंडर करना चाहिए था, नहीं किया। एट लास्ट उनको कितना लंबा झिला दिया परमेश्वर, झिलाने के बाद उनकी सुधि नहीं, छोड़ दिया, जाओ कर चुके, ना तुमने पश्चाताप किया, ना तुमने सरेंडर किया, और ना तुमने हार मानी, तुम अपने तरीके से वो कर रहे हो आज्ञाओं को पूरा, और दावे कर रहे हो कि मैंने ये तेरी आज्ञा पूरी कर ली। परमेश्वर का नहीं, गलत भाई, आप परीक्षा में एग्जाम में सब गलत गलत आंसर देके आए और फिर दावा ठोक देंगे नहीं हमने तो सब किया था, वो आपको दिखा देंगे कॉपी, ये लीजिए सब जीरो, सब गलत किया था। ऐसे ही आप न्याय आसन के सामने जाएंगे, वो आपको दिखा देंगे तुमने किया तो था लेकिन सब गलत किया था, तुमको लग रहा तुमने सब सही कर। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, नए नियम में बताया गया, इसीलिए परमेश्वर को उसके इकलौते पुत्र ने प्रकट किया। और परमेश्वर मनुष्य से जो चाहता था व्यवस्था में, कि मनुष्य अपने सारे दिल, सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखे, ये आज्ञा को यीशु मसीह के द्वारा उसने फुलफिल करके, और उसने सारी आज्ञा को एक ही आज्ञा से पूरा कर। इसीलिए एक आज्ञा तोड़ने का मतलब सारी आज्ञा तोड़ना है, क्योंकि एक आज्ञा का पूरा करना सारी आज्ञाओं की पूर्ति होगी। यीशु मसीह ने कर तो दिया, और इतनी सरलता से कर दिया, तो उसको कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, उसको शरीर से कुछ नहीं करना पड़ा, उसने समर्पण से कर दिया। और परमेश्वर ने उसके साथ गवाही देकर इस बात पर मोहर लगा दी कि देखो यही तो मैं चाह रहा था। हालेलुया। अब आप देखिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा, आप उन्हें तोड़ सकते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम हत्या नहीं करोगे, फिर भी लोग दूसरों की हत्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप परमेश्वर की संप्रभु इच्छा तो तोड़ ही चुके, पाप पतन में है, और जो आज्ञा है उनको भी तोड़ते हैं। तो आप पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप, तो आपका अंत क्या होगा? पाप की मजदूरी तो आपकी शारीरिक मृत्यु के साथ आपका दी एंड खत्म। वहां जाएंगे जहां लोग कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते, जैसे लोग नरक बोलते, अनंत दंड, पर बाइबल उसको अनंत दंड बोलती है।
कि वहां तुम चले जाओगे। बाइबल में कई अन्य आज्ञाएं या अंश हैं जिनमें ईश्वर हमें एक निश्चित तरीके से जीने, एक निश्चित काम करने या एक निश्चित काम ना करने का आदेश देता है। इस समूह को ईश्वर की नैतिक इच्छा भी कहा जाता है। परमेश्वर हमें अपनी नैतिक इच्छा का मतलब परमेश्वर हमें अपने चरित्र में प्रकट करना मांगता है कि परमेश्वर जैसे यीशु मसीह का स्वभाव जो होता है वो परमेश्वरीय स्वभाव था, चरित्र। आज लोग इस बात को बहुत दावे के साथ बोलते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन अज्ञानता में बोल। सच्चाई ये है कि वो अपने मन में बहुत सी चीजों को विश्वास से जोड़ते हैं और बाइबल कहती है ना ये विश्वास है ही नहीं। तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, वचन का उल्लंघन करते हो, उसकी इच्छा और योजना हर चीज का उल्लंघन करते हो, विरोध करते हो और पवित्र आत्मा की वाणी का विरोध करते हो और कहते हो हम विश्वासी। तुम हो स्वार्थी और भावनाओं से भरे। जिस दिन तुम्हारा मन खुश है, तुमको कहीं बहुत अच्छा कुछ मिल गया, प्राप्ति हुई, उस दिन कलीसिया में आप देखिए मिठाई भी लो, जय जयकार भी लो, सब कुछ होगा। और जिस दिन तुम्हारा जरा सा नुकसान, उस दिन आप देख लो नहीं, रोना पीटना उल्टी सीधी बातें बोलना, परमेश्वर हमारी सुधि नहीं कहता, ये है परमेश्वर, अरे परमेश्वर कुछ नहीं है। अय्यूब के जीवन में आप जाते हैं तो वहां पर शैतान ने परमेश्वर से बिल्कुल सही दावा किया था, अय्यूब तेरे पर विश्वास इसलिए नहीं करता है कि वो तुझसे प्यार करता है, वो तो इसलिए करता है कि तुझसे उसको मिला हुआ है, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी चीजों को ले लो, अभी देखे तेरे मुंह पे तेरी बुराई करे। और आप प्रैक्टिकली देखे, आप अपने बच्चों को दीजिए तो आप अच्छे हैं, और जैसे ही आप रोकेंगे तो आपसे बुरा कोई है ही नहीं, आप ही तो दुश्मन है। तो ये क्या है, ये यहीं से पकड़ लीजिए कि सब स्वार्थी हैं। तो परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है कि आप उन्हें स्वार्थी बनने दे रहे हैं, तभी तो वो स्वार्थी बन रहे हैं। आप अपना हाथ रोक कर उनको ये सबक सिखाइए कि ना, उचित समय पर उचित चीजें परमेश्वर हमें देता है तुम्हें भी देगा। तुम मुझसे प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, तुम्हें सब मिलेगा। परमेश्वर से प्रेम रखना सीखेंगे तभी वो आपसे प्रेम रखेंगे, और जब परमेश्वर से ही प्रेम नहीं रखेंगे तो आपसे क्या रखेंगे। हाँ, और आप उनके लिए जान दिए दे रहे, आप उनके लिए सब कुछ किए दे रहे, तो परमेश्वर के काम को आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। परमेश्वर कह रहा मत दो और आप दे रहे, तो परमेश्वर कहते तुम बिगाड़ रहे। जहां आपको सप्लाई रोकनी चाहिए आप सप्लाई कर रहे हैं। भावना, हम आपको पक्का बता रहे हैं ये आपकी भावना ही है, और ये पतन के कारण आप शारीरिक झुकाव की तरफ जाते हैं, और आपके जीते जी वो नहीं ठीक हुए तो आपके बाद तो उनकी जिंदगी बर्बादी होगी। क्या होगा उस समय, वो दुर्दशा में होंगे, इधर से भी उधर से भी सब तरफ से ठोकरे खाएंगे, तब आपको उस समय बुरा नहीं लगेगा, कह रहे यार देखो हमने गलत किया था, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। बच्चों को अपने रहते रहते चीजों को रोकना है, इसीलिए व्यवस्था में ये सिखाया कि परमेश्वर जब इसराइलियों को निकाल के लाया उसने उन्हें भूखा होने दिया। क्यों? इन्हें भूख का अनुभव होने दो, और जब ये भूखे होंगे और उस समय खाना मिलेगा। बाइबल में नीति वचन में लिखा है कि भूखे को कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है, और जिसको भूख नहीं लगी उसे मीठा दो तो कड़वा, उल्टा। आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को चीजों को रोकना शुरू करेंगे तभी डिसिप्लिन आएगा, और देते 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 आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, उन्हें बर्बाद कर। गलत चीजें उनके अंदर के मांगने से पहले जिद करने से मिल जाएगा तो फिर सारी जिंदगी जिद करेंगे। ये चीज बचपन से ही पकड़ी जाती है, बच्चा जिद कर रहा ना उस समय मिलेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर घर में शुरू से नहीं है तो आप अपने बच्चों से कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत अच्छा करेंगे, जाके सब गलत करेंगे, सब बुरा करेंगे, और आप देखकर तड़पते रहेंगे कुछ नहीं करते। ये डिसिप्लिन बच्चों बचपन से आता है। जी, परमेश्वर की संप्रभुता और नैतिक इच्छाओं से परे हम परमेश्वर की इच्छा के निम्नलिखित विवरणों पर ध्यान दें।
दे सकते हैं। मैं हम कुछ विचारों के लिए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की अधिमान्य या वांछनीय इच्छा, जिसे ईश्वर की स्वभावगत इच्छा भी कहा जाता है, उसके स्वभाव में है, उसकी इच्छा भी है और उसका स्वभाव भी है। ये किसी चीज के प्रति परमेश्वर के रवैये या स्वभाव का वर्णन करता है। ये हमें बताता है कि उसे क्या पसंद है, ये क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना और क्या नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर दया दिखाना पसंद करता है और फिर भी वो न्याय करेगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 चैप्टर और उसका 6 और 7 6 और 7 पद, 6 और 7 पद, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषियों को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ये उसका स्वभाव है। हमने आपको संडे को याद होगा यहेजकेल 18 अध्याय से पढ़ा था कि अब इज़राइल में ये कहावत नहीं होगी कि हमारे बाप दादों ने अंगूर खट्टे खाए और उनके वंश के दांत खट्टे हुए। ये कहने का मतलब, ये मुहावरा है, ये कहने का मतलब ये है कि पूर्वजों का दंड उनके वंश के लोगों से नहीं लिया जाएगा। परमेश्वर नई वाचा के अंतर्गत है, लेकिन नई वाचा में उसने कहा जो पाप करेगा वही मरेगा, बाप दादों का आप पर नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा अनुग्रह हो गया नई वाचा में कि आपको उनसे छुटकारा मिल गया, उनके किए उनके श्रापों से आप छूट सकते हैं। कैसे? अपना समर्पण करके। तो आप प्रभु यीशु मसीह का को समर्पित होंगे तो आप पर वो श्राप नहीं आएंगे, आपको क्षमा मिल जाएगी। आपको अपने पिता का भी जो उसका श्राप है, पिता से आ रहा है डीएनए में, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ढेरों बीमारियां आ रही हैं डीएनए में जी। एक पद और पढ़िए, ये इस आधार पर है कि मूसा ने परमेश्वर से इज़राइल को क्षमा करने की अपील की, ना केवल यहां बल्कि कई बार। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय, और 14 अध्याय का 17, 18 और 19 पर, 17, 18 और 19 पर, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। अगर ऐसा होता कि वो दोषी को निर्दोष ठहराता तो यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती, उसे मरना नहीं पड़ता। परमेश्वर अगर माफ कर देता तो यीशु मसीह की मृत्यु क्यों होती? वो इसीलिए तो हुई कि उसकी मृत्यु हमारे कारण हुई ताकि हमें क्षमा मिले। एर्जी चाहिए, तुम भरो या कोई भरे। तो नई वाचा में हमको हमारे पूर्वजों का दंड क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबका दंड चुका दिया और हम समर्पित होंगे और हम प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे तो हमको मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको फिर नहीं मिलेगी, लागू नहीं होगी। कर तो दी उसने, करुणा में अधर्म अपराध का क्षमा, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना चाहेगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। ये पुरानी वाचा थी,
नई वाचा में यीशु मसीह ने मिटा दिया। अब जो समर्पण करेगा प्रभु को, अपना जीवन समर्पित कर देगा और प्रभु के लिए जीवन जीने लगेगा, उसका ऋणी हो गया, तो उसके जीवन से उसके आगे की पीढ़ियों को क्षमा मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगी ना, तो उसके पूरे आगे अगले वंश पर अनुग्रह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ना केवल मूसा बल्कि अन्य लोगों ने भी प्रार्थना की कि परमेश्वर दया दिखाए। नहेम्या 9 अध्याय, डैनियल 9 अध्याय, वहां पर भी आपको इस प्रकार की प्रार्थनाएं मिलेंगी। परमेश्वर पापियों के उद्धार में प्रसन्न होता है, वो पापियों पर अपना अनंत क्रोध उंडेलने में प्रसन्न नहीं होता। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 14 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 14 पद, 14th वर्स, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट। परमेश्वर इस संसार में एक छोटे से छोटे मनुष्य पर भी ये नहीं चाहता कि वो नष्ट हो जाए, बल्कि ये चाहता है कि वो उद्धार पाए। परमेश्वर की ये पूरी पूरी दिल से इच्छा, ये उसका स्वभाव है। पहला तिमोथियस और उसका 2 अध्याय, पहला तिमोथियस 2 अध्याय, पहला तिमोथियस 2 अध्याय, 2 अध्याय का 2 अध्याय और उसका दूसरा, 2 अध्याय का 3 और 4 पद, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि सबका उद्धार हो और सत्य को भली, सत्य कौन है? भली भांति जान ले। जब आप उसका, आप किसको भली भांति जानते हैं? जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है, जिसके साथ आप उसके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, घनिष्ठ संबंध, तभी तो आप उसको भली भांति जानते हैं। तो आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानेंगे बिना व्यक्तिगत संबंध के? दूसरा पत्रस और उसका, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद, 3 अध्याय का 9 पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको आपका उद्धार हो गया। तो कभी भी ये मत सोचिए प्रभु जल्दी से कर, मेरा तो हो गया अब बस, नहीं, ये फिर आपसे नाराज हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में हो गया, अभी बहुतों के जीवन में बाकी है, परिवार में ही बहुतों के, हमारे परिवार में बहुत लोग बाकी, तो हम तो प्रभु थोड़ा सा और अनुग्रह कर दो, इनको भी मिल जाए। तो स्वार्थी कभी नहीं बनना, उद्धार के विषय में स्वार्थी नहीं बनना। ऐसे ही मालूम जब कलीसिया में लोग आते हैं, हम क्यों, एक बार बहुत इसी चीज पे मैंने बोला था, जो जल्दी आ जाता है वो बैठ के कुड़कुड़ाने लगता है, देखो अभी तक नहीं आया, तुम आ गए इसका मतलब ये नहीं है, तुम्हारे पास अवसर, तुमको अवसर मिला, तुम्हारे पास कोई लाइबिलिटीज नहीं थी, तुम पट से आ गए, तुम्हारी दूरी भी नहीं थी, तुम पट से आ गए। लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं आने में, प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं बोलनी थी, इंतजार करो, प्रभु तो जब सब इकट्ठे होंगे तभी बात करेगा। हाँ, तो आपको ये गलत चीजें नहीं करनी। यहेजकेल 18 अध्याय आ जाइए, यहेजकेल 18 अध्याय, नहीं मिला, यहेजकेल 18 अध्याय और 18 अध्याय का 14 पद, फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो, वो अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करे, अपने पिता के समान ना करे, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो,
ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखों को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वो अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। देखिए परमेश्वर ने यहाँ नियम बदला कि नहीं बदला, ये भविष्यवाणी में है, ये नई वाचा के अंतर्गत आता है। इसके बाद 33 अध्याय इसी का, यहेजकेल 33 अध्याय और उसका 33 अध्याय का 11 पद। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? परमेश्वर नहीं चाहता। यहां पे मृत्यु का मतलब अनंत मृत्यु है, बिना उद्धार के मृत्यु, बिना मसीह में जीवन व्यतीत किए उद्धार का जीवन पाए बिना हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाना, इसको मृत्यु बोला गया, अनंत मृत्यु हो गई है। आप कहां गए? हाँ, सीधा एकदम तुरंत होगा, ये बहुत सेकंड में होता है। जब हम उन चीजों के पास आते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से पाप के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है, या जिन चीजों की आज्ञा दी गई है, तो हमारी इच्छा वही करने की होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। जब आप कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर क्या चीज आपसे और हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, उस पर ध्यान रखिए और उसको जीवन में लागू कीजिए। रोमियो 12 अध्याय उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब बताइए, आजकल लोग आत्मिक सेवा मालूम किसको बोलते हैं? भजन कीर्तन करो, यही आत्मिक सेवा, जबकि ये नहीं है। प्रार्थना करो, ये आत्मिक सेवा, जबकि प्रार्थना भी, या प्रार्थना आई, भजन कीर्तन आया, उपवास आया, क्या आया? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हो, जो परमेश्वर को जैसा पसंद है ऐसा जीवन अपना परमेश्वर को समर्पित करो। यानी जब आप कलीसिया में आए, प्रभु को समर्पित हो, और जिन जिन बातों से वो प्रसन्न होता है वो आपके जीवन में बढ़े, और जिन जिन बातों को वो नहीं पसंद करता उनको अपने जीवन से अलग करो। कब शुरू करेंगे? आपके जीवन में आपको अपने दिन गिनने की समझ है? दाऊद ने कहा, हे प्रभु मुझे बुद्धि से भरा मन दे ताकि मैं अपने दिन गिनना। आप उम्र के किस पड़ाव पे खड़े हैं, और आपके कितना जीवन अभी बाकी है, और आपको क्या, अपने आप को समर्पित करके इस कोर्स को पूरा करने में कितना समय लगेगा, और आप देखिए आप कहां खड़े हैं, और उम्र क्या है, और आपके और आज का माहौल क्या। तो कब करेंगे? जीवन तो भाग की समान है, अभी देख रहा विधायक, शुरू कब करेंगे? परमेश्वर के वचन को तुरंत तुरंत हमको अपने जीवन में लागू करना, तुरंत तुरंत, ये यही इसका आदर है। कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, एक्चुअली जो सुसमाचार है ना, इसको अर्जेंट बोला गया, अर्जेंट, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, चट चट जो भी तुरंत और मानो भी तुरंत, लागू भी तुरंत करो। कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद। कुलसियों पहला अध्याय का 10 पद।
ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल बढ़ने लगे। जब आप तुरंत तुरंत करेंगे तभी तो फल बढ़ेंगे, नहीं तो मौसम बदलते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे और सोचते ही रह जाएंगे। फिर प्रभु कहेगा हम भी तो सोच ही रहे थे कि शायद अब तुम मान जाओगे। शायद वो उलाऊ पुत्र की कहानी याद है, वो रोज पिता इंतजार करता शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए, शायद। वैसे पिता परमेश्वर हमारा रोज इंतजार करता कि अब ये शायद मान जाए, अब ये मान जाए, अब ये मान जाए। हमारा मन है कि हम तो संसार में खोए हुए हैं, शारीरिक बातों में लगे हुए हैं, सब इन्हीं चीजों में खोज रहे हैं कहां क्या मिल जाएगा। दूसरा कुरंथियों पांच अध्याय और उसका 9 पद। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। ये कलीसिया को पौलुस बता रहा था, चाहे तुम कलीसिया में रहो और चाहे तुम व्यक्तिगत जीवन में अकेले हो, कोई नहीं देखता, तुम्हारा जीवन उसको भाता रहे, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि कलीसिया में तो बहुत, अरे हम विश्वासी और बाहर मन की कर रहे हैं सारी गलत बातें, ये नहीं होना चाहिए। दो प्रकार का जीवन उसने मना किया है, दो प्रकार के बीज एक खेत में मत बोना, हाइब्रिड मत होना। झूठी बड़ाई के लिए, झूठे दिखावे के लिए मत करना, मैं माफ नहीं करूंगा। ये चीजें वो माफ नहीं करता है, वो अनुग्रह कर रहा है क्योंकि वो हमें जानता है, हमारी प्रवृत्ति को जानता है, लेकिन वो अनुग्रह कर रहा है, बहुत बड़ी बात, उससे कुछ छिपा नहीं है। इफिसियों की पत्री पांच अध्याय और इसका 5 अध्याय का 10 पद। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज तक आपने कभी ये परखा ही नहीं होगा कि प्रभु को क्या भाता है अपने जीवन में। हम ये कर ले, हमारा मन कर रहा प्रभु, जिद करते उल्टा प्रार्थना कर, प्रभु हम चाहते हैं कि ये हो जाए। वो कहता है अरे यही तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये कहो कि मैं ये चाह रहा हूं ये कर दे। और प्रभु तेरी इच्छा हो तो ये हो, नहीं हो तो ना हो, कोई प्रॉब्लम। कभी आपने बोला ऐसा, ऐसी प्रार्थना कभी की? यीशु मसीह से सीखिए, उसने कहा हो सके प्याला मुझसे टल जाए, अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन मेरी नहीं वरत तेरी इच्छा पूरी हो। आपको हर बात में क्या करनी चाहिए? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, अगर ये काम नहीं होगा मुझे बुरा नहीं लगेगा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तेरे समर्पित हूं। थैंक यू। जीवित मान समर्थ परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रतिदिन प्रभु हम आपके वचन से आपकी इच्छा को और अधिक जानने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और प्रतिदिन प्रभु आपके वचनों में जाकर आपके पवित्र आत्मा की सहायता से ये देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद हैं और उन्हें हमें भी नापसंद करना है, और क्या चीजें जो आप पसंद करते हैं जिन्हें हमें पसंद करना है, ताकि हम इन बातों में परिपक्व हों और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित होकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।